एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पे एक वीडियो बनाई जिस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कवर किया है। सेकेंड वीडियो में हमने इसका थर्ड और फोर्थ और लास्ट में हमने इसका फिफ्थ पार्ट कवर किया है। तो इसमें अब हमें इसे डिवाइड करना है x एंड x प्लस पाई से। हम सेम दोनों मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी, कि जिससे आपको समझने में आसानी हो और आपको जौन सा मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकें। तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे हमें इसे डिवाइड करना है x से। वही हम दो मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो लिखते हैं बाय लॉन्ग डिवीज़न तो हम इसे करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू। हमें करना है इसे डिवाइड एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है x से। करेंगे सबसे पहले x स्क्वायर से, तो आ जाएगा एक्स क्यू, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम इसे करेंगे 3x से, 3x से x हो गया तो 3x स्क्वायर आ गया, ये भी हमारा हो गया कैंसिल। अब बचा 3x प्लस 1। अब हम इसे करेंगे प्लस 3 से, तो ये आया 3x, ये भी कैंसिल हो गया, हमारा रिमाइंडर बचा 1। जब हमने लॉन्ग डिवीजन से करा तो हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से भी करेंगे। तो अब हम इसे करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो अब हम इसे रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू कर रहे हैं, मेथड से कर रहे हैं। हमें क्या करना है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है x से। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो जिस भी वेरिएबल से, जिस भी डिजिट से आपको इसे डिवाइड करना होता है, जिस भी वेरिएबल से डिवाइड, उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। इट मींस कि x की वैल्यू 0 है। तो हम लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू, हमें जहाँ जहाँ x वेरिएबल दिया वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू 0 रख देंगे। तो ये आ गया p 0, x का 0 रख दिया, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 0 प्लस 1। 0 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज 1। तो इसमें भी आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, और जब आपने इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू किया था तब भी आपका रिमाइंडर 1 ही आ रहा था। जब भी आप इसका डिवीज़न करें लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू, तो आई रियली वांट कि आपके पास एक इस तरीके का एक छोटा सा रफ पेपर होना चाहिए जिस पे आप अपनी कैलकुलेशन कर सकें। तो चलिए रफ पेपर को साइड पे करते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम लिखते हैं एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें इसे कितने से डिवाइड करना है, x प्लस पाई से। तो चलिए करते हैं। हमें x क्यूब दिया हुआ है, हमें कितने से इसको करना चाहिए, हमें इसे x स्क्वायर से करना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर ये आ गया अपना x क्यूब प्लस पाई को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई x स्क्वायर, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। जब आपको 3x स्क्वायर में से ये भी माइनस होगा, पाई एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अब आपका रफ पेपर यूज आएगा। तो ये मैंने अपना रफ पेपर लिखा है, ये मेरा क्या था, 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, ये बचा 3 माइनस पाई, तो आप ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे 3 माइनस पाई और बाहर लिख देंगे अपना एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर से नॉर्मल कॉपी कर लेंगे 3x प्लस 1। अब आपको इसे डिविजिबल करना है, आपको इसे डिवाइड करना है, तो आप इसे कितने से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप इसे करेंगे प्लस 3 माइनस पाई एक्स,
ठीक है, जब आप इसको 3 माइनस पाई x से x को करेंगे तो ये तो आपको एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 3 माइनस पाई तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो गया 3 माइनस पाई x स्क्वायर। मैंने क्या करा है, मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक बारी अपना रफ पेपर यूज कर रही हूँ। ये मैंने 3 माइनस पाई x को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 3 माइनस पाई, ठीक है, और ये हो गया प्लस पाई एक्स 3 माइनस पाई, ठीक है, ये हो गया पाई एक्स 3 माइनस पाई। तो ये क्या आपका आ गया, ये आपके आ गया एक्स स्क्वायर 3 माइनस पाई प्लस 3 माइनस पाई पाई एक्स। तो ये तो अपना कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको 3x को माइनस करेंगे 3 माइनस पाई पाई एक्स से, तो चलिए इसको अपने रफ पेपर पे माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच ली, हमें करना है 3x माइनस 3 माइनस पाई पाई एक्स को, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे लिखेंगे 3x, देखिए इसमें भी x x तो कॉमन है ना आपका, तो आपने क्या करना है, आपने x बाहर निकाल लेना है, आपका ये बचेगा 3 माइनस 3 माइनस पाई, और ये बचा यहाँ पे पाई, क्योंकि x x तो कॉमन था आपने बाहर निकाल लिया, ये बचा पाई 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सॉरी, ठीक है। तो आप इसको यहां पे लिख देंगे, ये क्या आपका आ गया, ये आपका आ गया एक्स 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1, ये 1 तो आपका ऑलरेडी चल रहा था ना, ये यहां पे भी आ गया, एक्स तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आप इसको करेंगे 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से, तो ये हमने लिख दिया प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, और ये पाई इंटू ये होगा तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा पाई 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया अपना, इसको माइनस करना है 1 माइनस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एंड बाहर पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई का स्क्वायर माइनस पाई का क्यूब। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपने इसी रफ पेपर के ऊपर। क्या करा है मैंने, ये तो पाई था, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, पाई 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई का स्क्वायर प्लस पाई का क्यूब, ठीक है। अब आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे ना 3 माइनस 3 पाई, इसमें से 1 माइनस होगा तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पाई का क्यूब, ये मैं इनको कर रही हूँ माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ऐसे आई आपकी ये वाली वाली इक्वेशन आपकी ऐसे आई है। ये हमने सॉल्व किया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम मेथड से, तो चलिए लिखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम मेथड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम मेथड से, तो ये क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू 0, एक्स हो गया हमारा 0 माइनस पाई, तो एक्स हो गया हमारा माइनस पाई, ठीक है। अब हम इस माइनस पाई को जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां माइनस पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये है अपनी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
हम यहाँ पे माइनस पाई रख देंगे, तो ये हो गया माइनस पाई का क्यूब प्लस थ्री इंटू में माइनस पाई का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में माइनस पाई प्लस वन। माइनस पाई को अगर आप तीन बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा माइनस पाई का क्यूब, ठीक है। ये तो माइनस इसमें तो कैंसिल हो जाएगा, इधर थ्री पाई, यहाँ पे माइनस पाई का क्यूब क्यों आया मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये लिया हुआ है माइनस पाई का क्यूब, तो ये माइनस पाई को इन्होंने तीन बारी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस पाई का क्यूब, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस बचा इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, तभी मैंने यहाँ पे माइनस पाई का क्यूब लिखा है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस माइनस दो बार ही हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे थ्री पाई का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस थ्री पाई प्लस वन। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस थ्री पाई प्लस थ्री पाई का स्क्वायर माइनस पाई का क्यूब, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है बाय रिमाइंडर थ्योरम। जब आपने लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू किया तो आपका रिमाइंडर ये आ रहा था, ये रहा, और जब आपने इसे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग किया तो आपका रिमाइंडर ये आ रहा था। रिमाइंडर दोनों सेम आ रहे, बस मेथड्स है यहाँ करने के अलग अलग, आप कोई भी चूज कर सकते हैं।